अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सेहतमंद रखे, आप सभी अपने अपने घरों में अपने अपने फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें, और जो भी औलाद हैं अल्लाह ताला उन सभी को नेक औलाद से नवाजे, आमीन सुबह आमीन। आज का मेरा व्लॉग सुबह से स्टार्ट ना होकर दोपहर से हो रहा है। अब बस खाना बनाने की मैं तैयारी करूँगी। नहाया है अभी थोड़ी देर पहले, बाल गीले हो रहे थे तो मैंने बाल बांधे नहीं। वैसे भी गीले बालों में ना तो हमें कंघा करना चाहिए ना ही उन्हें बालों को बांधना चाहिए, तो मैंने सोचा थोड़ी सी हवा लगा लेते हैं बालों को। ये गर्म पानी में मैंने कुछ रसोई के कपड़े भिगो कर रखे थे, बस उनको मैं धोने लगी। रसोई के कपड़े तो मैं हमेशा सिंक में ही धोती हूँ, कभी मैं बाथरूम में नहीं धोती हूँ, हमेशा सिंक के अंदर ही धोती हूँ। तो बस इनको धोकर डाल देते हैं। आज सुबह से मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल भी उमस नहीं हो रही, बादल हो रहे हैं और ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। पानी तो खैर नहीं आ रहा, देखो बारिश का मौसम है, बारिश तो खैर कभी भी आ जाएगी, लेकिन ऐसा मौसम बहुत बढ़िया लगता है, घूमने के हिसाब से भी अच्छा लगता है। बच्चे तो कहने लगे कि चलो वाटर पार्क चलते हैं घूमने के लिए, मम्मी वाटर पार्क की भी हम बोल रहे थे, पूरी गर्मियाँ निकल गई, पूरी हमारी गर्मी की छुट्टी हो गई, लेकिन वाटर पार्क आप लोग लेकर नहीं गए। अब बच्चों का तो यही रहता है कि देखिए उनका तो फिर मन यही होता है कि कहीं ना कहीं बार बार घूमने जाते ही रहो, पूरी छुट्टियों में हमें तो फुल एन्जॉय करना है। तो मैं इनसे कह रही कि अभी तो रहने दो, चलेंगे अब वाटर पार्क। अब तो बारिश आ गई, अब क्या, अब तो इतनी गर्मी भी नहीं लग रही, नहीं चल रहे वाटर पार्क। तो बस वो पीछे लगे हुए हैं कि नहीं मम्मी चलो वाटर पार्क जाना है हम लोगों को। तो मैं इनको यही समझा रही थी कि अगर आज बारिश होती है तो नहीं चलेंगे वाटर पार्क, और हाँ अगर आज बारिश नहीं होती है तो फिर सोचेंगे वाटर पार्क का भी। खाने में मैं पकौड़ी का रायता बना रही हूँ, तो इस बार गर्मी की छुट्टी में पकौड़ी का रायता हम लोगों ने काफ़ी बार बनाया है, अच्छा भी लगता है, ठंडा भी रहता है। तो रायते के लिए मैंने इनसे छाछ मंगवाई थी, छाछ आते ही फिर पीने का मन होता है कि उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, काला नमक डालो, पुदीना पाउडर डालो और बढ़िया मस्त छाछ बना कर पियो। हमारे अली को मीठी छाछ पसंद है, चीनी डालकर पीता है वो छाछ को। तो सबसे पहले तो हमने सबने एक एक गिलास भरकर छाछ पी। शिवपुरी में खट्टी छाछ मिलती है, जितनी भी बार मैंने शिवपुरी में छाछ मंगाई है बहुत खट्टी रहती है, जो कि हम पी नहीं सकते और ना ही उसकी कड़ी वगैरह बना सकते हैं, जबकि यहाँ की छाछ बहुत मस्त रहती है, बिल्कुल भी खट्टी नहीं रहती, ऐसा लगता है जैसे ताज़ी छाछ है, बढ़िया रहती है। तो इधर तो रिदा पकौड़ी बना रही है और बस अब थोड़ी देर में रायता बन जाएगा। रायता बनने में वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं फिर आटा लगाने लगी थी कि चलो रिदा पकौड़ी बना के तैयार कर दे, तब तक मैं इधर आटा लगा लेती हूँ, फिर मैं रोटी बना लूँगी। हमारी रिदा के कान तो छिद रहे हैं पर नाक नहीं छिद रही है। अब कान के साथ उस टाइम नाक भी छिद जाती तो अच्छा रहता, मैं यही सोचती हूँ, पर बड़ी मुश्किल तो उस टाइम उसने कान छिदवाए थे जब वो बहुत छोटी थी, उस टाइम छिद गए थे। उस टाइम स्किन भी सॉफ्ट रहती है, उस टाइम छिद जाते तो छिद जाते। अब जब भी उससे कहो कि चलो नाक छिदवाएंगे तेरी, तो उसी टाइम मना कर देती, नहीं मम्मी मुझे शौक़ नहीं है, आजकल की कौन सी लड़कियों की नाक छिदी रहती है, मुझे अच्छी नहीं लगती नाक छिदवाना, और आप छिदवा भी दोगी तो मैं कुछ भी नहीं पहनने वाली उसमें। जबकि मैं सोच रही हूँ कि चलो नाक छिदवा देते हैं, कभी ना कभी तो वैसे भी छिदवानी पड़ेगी, लेकिन अब स्किन इसकी वैसी बहुत टाइट हो गई, हुई बड़ी हो गई है तो स्किन वैसी टाइट हो जाती है। अभी गर्मी की छुट्टियां थी लेकिन फिर अब देखिए बरसात भी आ गई, तो सर्दियों में ही अब सोच रही हूँ सर्दियों में ही छिदवाऊँ तो अच्छा है, नहीं तो बरसात के मौसम में पकने पकाने का थोड़ा डर लगता है, तो सर्दी का मौसम सबसे बेस्ट है। अभी कान का भी ये हाल है कि कान को वो बिल्कुल फ्री रखती है, कान में कुछ पहनती नहीं है, जैसे कहीं त्यौहार वगैरह आया या हम किसी फंक्शन वगैरह में गए तब बस कान में टॉप्स वगैरह डालती है, नहीं तो कि मम्मी मेरे दुखता है, कान दर्द होता है, मेरे को नहीं पहनना, कुछ भी नहीं पहनती है वो बिल्कुल भी। पहले गोल्ड की बाली बनवाई थी इसकी, बर्थडे पर इसको गिफ्ट भी दी थी, तो बाली में से एक बाली गुम गई थी लेकिन वो मिल भी गई थी बाद में, तब से फिर वो बालियाँ भी रखी हैं, सही भी करवा ली हमने, लेकिन वो अब काफ़ी छोटी हो गई हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी बड़ी बाली गोल्ड की इसके लिए बनवा दूँ, अब फिर इसका बर्थडे आ रहा है तो बर्थडे पर ठीक रहेगा, बर्थडे पर गिफ्ट दे देंगे इसको गोल्ड की बाली का। अब गोल्ड भी तो कितना महंगा हो गया है, आसमान छूता जा रहा है धीरे धीरे, देखते ही देखते मतलब बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गई है गोल्ड की भी। अरे क्या करें, मेरी और रिदा की, हम दोनों की स्किन एक जैसी है, मतलब हम लोग आर्टिफिशियल चीज़ नहीं पहन पाते हैं,
बस गोल्ड की चीज़ ही पहन पाते हैं कानों में। आर्टिफिशियल भी अगर पहने तो वो वही है कि थोड़ी देर के लिए पहन लो, उसके बाद फिर उतार कर रख दो। तो अभी अली और रिदा को मैंने दोनों को कुछ सामान लेने के लिए भेजा है, बस दोनों के दोनों गए हैं यहीं पास में मार्केट से ही लेकर आएंगे। तो बस अब सर्दियों का इंतज़ार है, सर्दी आ जाए फिर रिदा की नाक भी मैं छिदवाऊँ, क्योंकि छिदवानी है वो तो आगे पीछे। और दोनों बहन भाई आ भी चुके हैं सामान लेकर, मेरा सामान तो लेकर ही आए हैं साथ में, और कुछ अपना सामान भी लेकर आए हैं। ओरियो बिस्किट लेकर आए हैं, ओरियो बिस्किट का केक बनाएंगे आज ये दोनों मिलकर। उस दिन तो पार्ले का बनाया था, आज ओरियो का बनाएंगे। बस कुछ दिनों की बात और है, फिर तो इनके स्कूल शुरू हो जाएंगे। कुछ दिन और इस तरीके से बस मौज मस्ती कर लें, फिर स्कूल शुरू हो जाते हैं। तो स्कूल की पढ़ाई में तो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाती है, फिर कहाँ ये सब करने का इनको टाइम मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। माशाल्लाह से अच्छा बनाया है, उस दिन जो पार्ले बिस्किट का केक बनाया था वो भी अच्छा बनाया था, और आज इन्होंने जो केक बनाया है ये ओरियो बिस्किट का, ये भी अच्छा बनाया है। ऊपर से बिस्किट से ही इन्होंने गार्निश भी कर दिया है, तो बहुत अच्छा टेस्ट में लगा। हम लोगों ने तो, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने तो ज़रा ज़रा सा टेस्ट किया बच्चों के कहने पर। हम लोगों को तो केक वगैरह का इतना शौक़ नहीं है, बस बच्चे हैं ना, बच्चों को ही ज़्यादा शौक़ रहता है। तो इन लोगों ने ही खाया, थोड़ा बहुत बचा जो मैंने कह दिया फ्रिज में रख दो, जब तुम्हारी इच्छा हो तब खा लेना। तो इधर रिदा दही की लस्सी बना रही है, आज हम लोगों ने दही नहीं खाया था खाना खाने के बाद। तो बस अभी रिदा बना रही है दही की लस्सी, हम लोगों को तो लस्सी पीना है, लस्सी पीने की इच्छा हो रही थी। उसके बाद फिर मैं घर के एक दो काम निपटाऊंगी, फिर रात के खाने की सोचूंगी। और रात के खाने में आज मैं बटर चिकन बना रही हूँ। चिकन ये दोपहर में इन्होंने ला कर रख दिया था, जब मैंने छाछ मंगवाई थी ना तो उसी टाइम चिकन ला कर रख दिया था। अब मैं सुबह लेट हो गई थी, सुबह बनाती मैं दोपहर के खाने में बनाती बटर चिकन, लेकिन फिर लेट हो गई थी क्योंकि बटर चिकन बनाने में कितना टाइम लगता है आप लोगों को तो पता है ना। तो फिर मैंने सोचा अब शाम में बना लेंगे। तो इधर हमारी ये दही की लस्सी तैयार हो गई है रिदा के हाथों की, बढ़िया सी मज़ेदार सी। थोड़ा सा रूह अफज़ा डाल दिया था, आ जाइएगा आप भी लस्सी पी लीजिएगा। मैं इधर अपने काम में लगती हूँ, मैं बना रही हूँ जैसे कि बटर चिकन। तो फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल डालने के बाद 2 चम्मच के करीब मैंने बेसन डाल दिया है, और ऑयल गरम होने पर ही बेसन डाल दिया था, फिर गैस बंद कर दी थी और बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लिया था, नहीं तो ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो जल जाएगा। लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिया था इसके अंदर। सबसे पहले हम बटर चिकन बनाने के लिए हम चिकन को मैरिनेट करते हैं, तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने ये दही में जो बेसन सेका था ना ऑयल वाला, वो बेसन डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, बहुत सारा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर डालना है, साथ में कसूरी मेथी डालना है, नमक डालना है। और अब हमारे जो चिकन के पीसेज हैं उनको कट करके फिर इसके अंदर हम अच्छे से मिक्स कर दें, और इसे हमें फ्रीज़र में रखना है ताकि इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीज़र में रखना है। चिकन को मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया। इधर कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, ऑयल थोड़ा सा ही डालना है, बटर चिकन है इसलिए इसमें बटर ही ज़्यादा जाएगा, तो बटर डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज के बाद टमाटर, और टमाटर के बाद काजू डालेंगे, फिर बाद में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, और इसको अच्छे से चला लेंगे बढ़िया से। नमक डाल देंगे ताकि ये थोड़े से गल जाए, इसके बाद ठंडा होने के बाद इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। बटर चिकन में मैंने चिकन को मैरिनेट करते टाइम इसमें थोड़ा सा बेसन डाला था ऑयल के साथ, बेसन को रोस्ट करके आप लोगों ने देखा था ना, तो इससे जो हमारे चिकन की कोटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है बेसन डालने से, क्योंकि अभी हम चिकन को फ्राई करेंगे थोड़ी देर बाद, जब चिकन हमारा मैरिनेट हो जाएगा तो उस मसाले में से चिकन को निकाल कर उसे फ्राई करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से हमारा चिकन फ्राई हो जाएगा। इधर ये प्याज टमाटर भी हमारे गल चुके हैं, गैस बंद कर देते हैं, इनको ठंडा होने छोड़ देते हैं। तब तक मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला है, और ऑयल डालने के बाद जो चिकन के पीसेज हैं जो मैंने मैरिनेट होने रखे थे वो निकाल लिए हैं, इनको हम ऊपर से लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद जब इन पर कलर आ जाएगा, थोड़े से स्पॉट आ जाएंगे, स्पॉट्स आने के बाद फिर इनको पलट देंगे, डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा हमारा ये बटर चिकन बनकर तैयार होता है। इनको मैरिनेट करने के बाद इसमें जो नीचे थोड़ा सा मसाला बचता है उस मसाले का भी हमें यूज़ करना है, उसका ऐसे नहीं है कि हम उसे फेंकेंगे, जब बाद में हम इसकी बटर चिकन की ग्रेवी तैयार करेंगे तो हम उसमें इसको यूज़ करेंगे। अब कढ़ाई में वापस मैंने
थोड़ा सा ऑयल डाला है, थोड़ा सा इसलिए डाला है क्योंकि हम इसमें बटर भी डालेंगे, तो वापस मैंने इसमें थोड़ा सा बटर भी डाला है, तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, इलायची डाली है, और जो हमने फाइन पेस्ट मसाले का बनाकर तैयार किया था, प्याज, काजू का और टमाटर का, हरा धनिया का, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हल्दी पाउडर भी डालना है, और बढ़िया से इसकी भुनाई करेंगे। जब हमारे मसाले की थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी, इसमें हम डालेंगे टमेटो केचप ज़रूरी है, तो मैं टमेटो केचप कम ही डाल रही हूँ। वैसे इसमें जब हम इसको बनाते हैं ना बटर चिकन को, तो 2 से 3 टेबल स्पून भरकर डालते हैं टमेटो केचप, लेकिन मुझे वो थोड़ा मीठा ज़्यादा लगता है। हम लोगों को, सभी को लगता है ज़्यादा टमेटो केचप डालने से मीठा, इसलिए मैं इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून ही टमेटो केचप डालूंगी। मिर्ची हमें इसमें थोड़ी सी तेज़ रखनी है, स्पाइसी अच्छा लगता है बटर चिकन, क्योंकि ये टमेटो केचप डालने से थोड़ा सा मीठा हो जाता है, और अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर वो और ज़्यादा मीठा हो जाता है। इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून ही भरकर इसमें टमेटो केचप डाला है। कसूरी मेथी मैंने इसमें और डालनी है, तो वो भी डाल दें आप, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और थोड़ी तो हमने मैरिनेशन के टाइम डाली थी, बाकी और डाल दें, बटर डाल दें। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो जो चिकन के पीस हैं वो भी हम इसमें डाल दें, और जो मैरिनेट के बाद मसाला बचा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। बस इसको ढक कर रख देंगे, थोड़ी देर में हमारा बटर चिकन बन के तैयार। रेसिपी कोई सी भी हम बना रहे हो, उसको बनाने के कई तरीके होते हैं, एक तरीके से कोई भी रेसिपी कभी नहीं बनती है, तो बटर चिकन को बनाने के भी अलग अलग तरीके भी होते हैं, लेकिन मुझे बटर चिकन बनाने का ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने इस तरीके से कई बार बनाया भी है, बहुत ही बढ़िया बटर चिकन बनता है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जिन जिन लोगों ने दुआएं करवाई हैं जी, आप सभी लोगों के लिए मैं अल्लाह ताला से अपनी हर नमाज़ में दुआ करूँगी कि आप लोगों की जो भी परेशानियाँ हैं अल्लाह ताला उन परेशानी को जल्द से जल्द दूर करें। अल्लाह ताला जी सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, सबकी जायज़ तमन्नाएँ पूरी करें। बस इसी के साथ आज के इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हम सभी को दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ फिर से मेरे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।